हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए परमुटेशन यानी कि क्रमचय के कुछ सवालों को करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए बच्चों जानते हैं एक बात और, जिन्होंने अब तक मेरे YouTube चैनल विजय सरदेवर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो मेरे YouTube चैनल विजय सर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और बुक से बनाइए, बहुत ही लाभ होगा। आइए सीखते हैं परमुटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन है बच्चों 1 नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 2 लेटर बॉक्सेस। मतलब बच्चों 3 लेटर है और 2 लेटर बॉक्स है, तो कह रहा है इन 3 लेटर्स को हम इस जो 2 लेटर बॉक्सेस दिया है किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम पोस्ट कर सकते हैं किसी भी लेटर बॉक्स में, किसी भी लेटर को हम डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स पत्रों की संख्या कितना है, 3 है, और लेटर बॉक्सेस आपका 2 है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिए कौन सा स्थिर है जो मूवेबल नहीं है, ऐसा तो हम लेटर बॉक्स वहाँ हिल जाएगा मतलब वो बात नहीं कर रहे हैं, और कौन मूवेबल मतलब हम किसको यहाँ वहाँ करते हैं, लेटर में लेटर बॉक्स को रखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि लेटर में लेटर बॉक्स को घुसा देंगे, संभव नहीं है, लेटर बॉक्स में ही लेटर आ सकता है, माने लेटर मूवेबल है, लेटर को हम यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, इस बॉक्स से चाहे उस बॉक्स से उस बॉक्स में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लेटर बॉक्स से को लेटर में डाल देंगे, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि स्थिर कौन सा है, लेटर बॉक्स स्थिर होगा और लेटर क्या होगा आपका, मूवेबल होगा, माने एक जगह से दूसरी जगह उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो स्थिर है उसको बच्चों हम एन मानते हैं, जो स्थिर रहेगा उसको एन मानिएगा और जो मूवेबल है उसको आप आर मानिएगा, ठीक है। अब हमारा नंबर ऑफ वेज, इसलिए लिख दिए आप नंबर ऑफ वेज टू बी पोस्टेड करके बच्चों फॉर्मूला होगा एन टू दी पावर आर। क्या फॉर्मूला होगा, एन टू दी पावर आर, यहां एन क्या है बच्चों आपका स्थिर है जो मूव नहीं करता है, आर क्या है जो मूवेबल है जो एक जगह से दूसरी जगह से कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज हो गया एन टू दी पावर आर, एन कितना बच्चों आपका 2 है और आर कितना आपका 3 है, तो 2/3 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 कितना होगा ये आपका 8। तो 8 तरीकों से बच्चों हम लेटर को जो 3 लेटर था उसको 2 लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, समझ गए हैं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ चाइल्ड हैज 6 पॉकेट्स, एक बच्चा है कितना पॉकेट है उसके पास, 6 पॉकेट है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 3 मार्बल्स, मार्बल्स कांच की गोली, मार्बल्स इन हिज पॉकेट। तो कह रहा है एक बच्चा है जिसके पास
छह पॉकेट अवेलेबल है, चाहे जहां जहां हो, शर्ट में, पैंट में, कहीं भी हो। और तीन को आप उसके पास मार्बल्स है, मैंने कांच की गोली है, तो कितने तरीके से तीनों मार्बल को वो छह पॉकेट में रख सकता है। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, वही बात इसमें आता है, पॉकेट कितना है, छह को है। पॉकेट को तो हम मार्बल में नहीं रखेंगे, पॉकेट में किसी चीज को रखते हैं, ऐसा नहीं कि पॉकेट को ही भर देते हैं किसी चीज में, ठीक है ना। तो हम पॉकेट में मार्बल रखना है, तो मूवेबल कौन है इसमें, मूवेबल मेरा है मार्बल्स। मार्बल्स को हम ई पॉकेट, ओ पॉकेट, ओ पॉकेट कर सकते हैं। तो बच्चों जो मूवेबल है उसको हम क्या मानेंगे, आपको पॉकेट आके आपका स्थिर है, जो स्थिर है उसको एन मानते हैं। एन कितना हो गया, छह हो गया, ये पॉकेट हो गया, पी ओ सी के ई टी, पॉकेट्स, उसको हम एन मान लें बच्चों। और मार्बल जो हुआ, मार्बल्स माने कांच की गोली, उसको जो हम क्या मान लें बच्चों, कांच की गोली बोलिए, सीमेंट का गोली बनता है, यहाँ तो लिखा नहीं है कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो गया आर मान लिया, आर क्यों माने, क्योंकि मार्बल को हम मूव कर सकते हैं, यहां से वहां कर सकते हैं, वो आपका हो गया तीन। आप बच्चों नंबर ऑफ वेज, नंबर एन मतलब नंबर, शॉर्ट में लिखे नंबर ऑफ वेज, तो फॉर्मूला हो बच्चों एन टू द पावर आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये ऐसा सवाल तो बहुत ईजी है, कितना सिंपल, अब कितना ईजी लग रहा है, लेकिन नहीं जानते थे कितना हार्ड लग रहा था। एन कितना आपका है, सिक्स, आर है थ्री, तो छह गुना छह गुना छह, छह गुना छह, छत्तीस, छह कितना हो गया बच्चों 216 तरीका से हम तीन मार्बल्स को छह पॉकेट में रख सकते हैं। तो समझिए बच्चों, इस प्रकार से अगर इस तरह का सवाल आपको मिल जाए तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं बच्चों। अब मान लिया था छह पर पावर आता है 24, तो यही आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि छह गुना छह गुना छह 24 बार लिख लेंगे तब गुना करेंगे, ऐसा करिएगा तो इसी में सब समय पार होगा, बाकी अब 3 घंटा टन बजा छुट्टी, कॉपी छिना जाएगा, नंबर आएगा लड्डू। इसलिए बच्चों जब पावर बहुत बड़ा हो, जो देखिए गुना करने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय, तब हमको आंसर वहीं छोड़ देना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत जगह जब बड़ा पावर था किताब आंसर, किताब में यही आंसर छोड़ देता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय बाय।